नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका अपने इस YouTube चैनल पर फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम सातवीं कक्षा के अध्याय अम्ल, क्षारक और लवण का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हम अपने दैनिक जीवन में अनेक पदार्थों को खाते हैं जिनके स्वाद भिन्न भिन्न होते हैं। किसी का स्वाद खट्टा, किसी का स्वाद कड़वा तथा किसी का स्वाद नमकीन या मीठा भी होता है। आज हम कुछ खाद्य पदार्थों के स्वाद के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जैसे कि नींबू का रस खट्टा, संतरे का रस भी खट्टा, दही भी खट्टी लेकिन चीनी मीठी होती है, खाने का सोडा कड़वा और नमक नमकीन। कभी कभी नहाते समय गलती से साबुन का पानी अगर मुंह में चला जाए तो हमें उसका स्वाद कैसा लगता है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आइए अब हम अम्ल का अध्ययन करते हैं। अम्ल मतलब एसिड। दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है क्योंकि इन पदार्थों में अम्ल उपस्थित होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ऐसे पदार्थों की प्रकृति अम्लीय होती है। खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है जिसका अर्थ खट्टा है। क्षारक, करेले का रस, खाने का सोडा, नीम का दातुन, तोरी और गिलोय का स्वाद कड़वा होता है क्योंकि इन पदार्थों में क्षार उपस्थित होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। ऐसे पदार्थों की प्रकृति क्षारीय होती है। क्षार छूने में चिकने होते हैं। वह पदार्थ जो ना तो अम्लीय ना ही क्षारीय होते हैं उन्हें उदासीन पदार्थ कहते हैं, जैसे कि नमक। कुछ पदार्थों को हम चख नहीं सकते, उनकी प्रकृति जानने के लिए हमें विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग करना पड़ता है जिन्हें सूचक कहते हैं। जब सूचकों को अम्लीय अथवा क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। कुछ सूचक प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जैसे कि लिटमस, हल्दी, गुड़हल की पंखुड़ियां। लिटमस सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक है। लिटमस का स्रोत लाइकेन है। इसका उपयोग दिए गए विलयन की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति ज्ञात करने में किया जाता है। आसुत जल में लिटमस का रंग नीला होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो इसका रंग लाल हो जाता है। जब इसे क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो इसका रंग पुनः नीला हो जाता है। यह विलयन तथा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है जिन्हें लिटमस पत्र कहते हैं। यह लाल व नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होते हैं। हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है। हम हल्दी का पेस्ट बनाकर उससे हल्दी पत्र बना भी किसी पदार्थ की अम्लता या क्षारता का पता लगा सकते हैं। हल्दी अम्ल के साथ कोई क्रिया नहीं करती, जबकि क्षार के साथ क्रिया कर हल्दी लाल भूरा रंग देती है। हम दो हल्दी पत्र लेकर उनमें से एक पर कुछ बूंद नींबू के रस की डालते हैं तथा दूसरी हल्दी पत्र पर साबुन के घोल की कुछ बूंदे डालते हैं तो देखते हैं कि जिस हल्दी पत्र पर नींबू के रस की बूंदे डाली थी वह अपरिवर्तित रहता है तथा जिस हल्दी पत्र पर साबुन के घोल की बूंदे डाली थी वह लाल भूरा हो गया है। गुड़हल की पंखुड़ियां। गुड़हल की पंखुड़ियां गर्म जल में मिलाकर तब तक रखते हैं जब तक
कि वह हल्का गुलाबी रंग का न हो जाए। अब इसका उपयोग सूचक के रूप में करते हैं। यह अम्लीय विलयनों के साथ गहरा गुलाबी रंग देता है, जबकि क्षारीय विलयनों के साथ हरा रंग देता है। उदासीन विलयनों के साथ कोई क्रिया नहीं करता, अर्थात इसका रंग नहीं बदलता। दोस्तों, हम इसका अगला पार्ट अगली वीडियो में करेंगे। तो जाने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।